हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने ट्रायल बैलेंस के सेकंड वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए? ट्रायल बैलेंस के सेकंड वीडियो लेक्चर पे। सोचा तो मैंने ये था कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, पर मैंने कहा यार इतना आसान चैप्टर, इतना आसान चैप्टर कुछ तो बच्चों को भी करने के लिए देना चाहिए। तो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता चला जाता हूं, पर करके आप ही दिखाएंगे, करके आप ही दिखाएंगे। फॉर्मेट मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। आओ जी शुरू करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस बनाना, एग्जाम्पल नंबर थर्ड से। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर थर्ड पहले, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और मैं बस रीड करता चला जा रहा हूं, बताता चला जा रहा हूं, आप खुद कर लेंगे इसको। आइए जी, 16 आइटम्स गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको बताना है कि कौन कौन से आइटम कहां कहां पोस्ट होगी और क्यों पोस्ट होगी। चले, स्टेट वेयर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस इन अ डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। कह रहा है कि बताओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी। फर्स्ट फर्नीचर सर डेबिट में जाएगा, एसेट्स है। प्लांट मशीनरी डेबिट में जाएगी क्योंकि एसेट है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है डेबिट, सैलरी एक्सपेंस है डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो क्रेडिट, कैश इन हैंड असेट्स है तो डेबिट। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर कौन है? लायबिलिटी। क्रेडिटर कौन है बेटा? लायबिलिटी। तो कैसे बैलेंस होंगे? क्रेडिट। डेटर कौन है? जिससे पैसा लेना है, एसेट्स डेबिट। कैरेज आउटवर्ड, मैं आपको बता दूं दो वर्ड होते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज का कैरेज कार्टेज फ्रेट, कैरेज कार्टेज फ्रेट, कैरेज कार्टेज फ्रेट। तीनों एक्सपेंस होते हैं। तीनों क्या होते हैं बेटा? हमारे एक्सपेंस होते हैं। अब एक होता है वर्ड इनवर्ड और एक वर्ड होता है आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है फैक्ट्री में लेके आने का खर्चा, इनवर्ड क्या होता है? फैक्ट्री में लेके आने का खर्चा। और आउटवर्ड होता है फैक्ट्री से शोरूम तक या शोरूम से कस्टमर तक पहुंचाने का किराया भाड़ा। क्या आएंगे? हमारे दोनों ही एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है और कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ रहे हो? कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आगे चल के चैप्टर नंबर 17 है, वहां जाके इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा मैं आप लोगों को। बट अभी सिर्फ इतना सा ही मान लीजिए कि कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और कैरेज आउटवर्ड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री में लाने का खर्चा और कैरेज आउटवर्ड फैक्ट्री से शोरूम तक या शोरूम से कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा किराया भाड़ा। गॉट इट? पढ़ते हैं। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस है डेबिट होंगे। सेल्स इनकम है क्रेडिट होगी, परचेज एक्सपेंस है डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव इनकम है क्रेडिट होगी, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है क्रेडिट होगी, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है डेबिट होगा, बैड डेट लॉस है डेबिट होगा। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन था, फटाफट आप कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाता चला जा रहा हूं। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, कह रहा प्रिपेयर अ फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। आओ जी पढ़ते हैं, ठीक है? कैपिटल 2 लाख रुपए क्रेडिट में जाएगा, डेटर्स असेट्स है 30,000 रुपए डेबिट में जाएंगी। अमाउंट ना बोलू? अमाउंट आप खुद कर लेंगे, अमाउंट आप खुद कर लेंगे बेटा, पक्का? चलो चलते हैं फिर। कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट, डेटर्स असेट्स डेबिट, फिक्स असेट्स असेट्स डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को। रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं बेटा? रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं बेटा? अब हम आगे एग्जाम्पल नंबर 4 पे। किस पे आ गए? 4 पे, ठीक है? 4 में आओ जी, फोर्थ एग्जाम्पल करें। क्या कहता है? दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट, डेटर्स असेट्स डेबिट, फिक्स असेट्स असेट्स डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न क्रेडिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट असेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट। गॉट इट? नंबर
5 पे, किस पे आ गया बेटा एग्जांपल नंबर 5 पे। क्या कहता है फिफ्थ एग्जांपल, रीड करना शुरू करते हैं। कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31st of March 19, 31 मार्च 19 का एक ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएं, जो कि किसका है, मुखर्जी अंकल है उनका है। फिक्स एसेट्स, एसेट्स डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी क्रेडिट, डेटर्स एसेट्स डेबिट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या बेटा, रिटर्न आउटवर्ड क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को, रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड माल आ रहा है वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न डेबिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट। गॉट इट, समझ आता है बेटा आप सभी लोगों को, फिफ्थ एग्जांपल सभी को समझ आता है। अमाउंट पुट करके इस ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड में आप खुद ट्रायल बैलेंस मैच करके मेरे को होमवर्क में पीडीएफ बना के सभी क्वेश्चंस की भेजेंगे। इतनी बात समझ में आती है सभी को, क्या मैं आगे चल सकता हूं आप लोगों के साथ? बच्चे कह रहे यस सर चल सकते हो आप हमारे साथ, आगे चल सकते हो। आगे चलते हैं, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। किस पे आ गए बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्या कहता है 6 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अ ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री हरिदास चक्की। हाँ ठीक है, इनका कैपिटल अकाउंट 1,40,000, लायबिलिटी क्रेडिट, परचेज 36,000, एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 1,200 रुपए डेबिट, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट 8,700, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट 2,300, सेल्स इनकम क्रेडिट 60,000, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न 300 क्रेडिट सॉरी डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न 700 रुपए डेबिट सॉरी क्रेडिट, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस 1,200 रुपए डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स 80,700 डेबिट, स्टॉक ऑन 1st April मतलब ओपनिंग स्टॉक एसेट्स डेबिट 15,500 से 15,500 से, डेटर्स एसेट्स डेबिट 20,200 से, क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट 12,000 से, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स 3,600 से डेबिट, कमीशन रिसीव इनकम क्रेडिट 1,800 से, कैश इन हैंड एसेट्स डेबिट 100 रुपीज से, कैश एट बैंक डेबिट एसेट्स एसेट्स है डेबिट करेंगे 10,100 से, मोटरसाइकिल को बोलेंगे मोटर व्हीकल 34,600 एसेट्स डेबिट, स्टॉक ऑन 31st March इसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन सा स्टॉक है बेटा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर नहीं करते, मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरी स्टोरी सुनाई थी। इतनी बात समझ में आती है पक्का? ये तो थे सिंपल सिंपल ट्रायल बैलेंस यहां तक। अब आ गए हम अपने 7th एग्जांपल पे। किस पे आ गए बेटा? 7th एग्जांपल पे। क्या करेगा 7th एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू 7th एग्जांपल आपके पास एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है पर वो गलत है, आप उस गलत ट्रायल बैलेंस से सही ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएंगे। ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा ट्रायल बैलेंस का, आप बस उसको सही कर देंगे। मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ड्रॉन ऑन द बुक्स ऑफ ब्राउन ट्रेडर्स, कोई ब्राउन ट्रेडर्स है उनका है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में क्या पड़ा है, बिल्डिंग ठीक है, मशीन ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, सर ये क्रेडिट होती है, सर ये क्रेडिट होती है पर गलती से हमने क्या कर रखी है, डेबिट कर रखी है, तो इसको क्रेडिट साइड में ले जाना। बैड डेट्स ठीक है डेबिट ही होते हैं, कैश असेट्स है डेबिट ही होते हैं, डिस्काउंट रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव तो इनकम है और इनकम के तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं और क्रेडिट तरफ आएगा वो तो, और गलती से हमने कहा लिख रखा है इसको डेबिट साइड। नेक्स्ट समझ गए, आगे चलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बाप रे बाप, बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ये क्या कर रहा है यहां डेबिट साइड में,
ये क्या कर रहा है यार, निकालो इसको, बाहर निकालो, बाहर फेंको इसको, कहां ले जाओ इसको, क्रेडिट साइड में ले जाओ, कहां ले जाओ मेरे बेटा इसको, क्रेडिट साइड में ले जाओ। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, बाप रे बाप, कितना नलायक अकाउंटेंट है जिसने ये ट्रायल बैलेंस तैयार किया है। क्रेडिटर कौन होता है, जिसका पैसा हमने देना है। कौन होती है ये, लायबिलिटी। लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो क्रेडिट साइड चला गया। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, परचेज एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। आगे चलते हैं, कैपिटल, अब क्रेडिट साइड पे आ जाओ, कहां जाओ बेटा, क्रेडिट साइड पे आ जाओ। क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है बेटा, कैपिटल, ठीक है क्रेडिट ही होता है। फिक्स्चर्स, ना भाई ना, फिक्स्चर्स तो क्या होती है, एसेट्स होती है। फिक्स्चर्स क्या होती है, एसेट्स होती है, और एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, और गलती से कहां पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड, तो ठीक करके कहां ले जाओगे, डेबिट साइड ले जाओगे। सेल्स इनकम है, क्रेडिट होता है, ठीक है। डेटर्स, जिनसे पैसा लेना है, क्या होते हैं, एसेट्स, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, पर ये कहां पड़ा हुआ है, क्रेडिट में, तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, वहां डाल देंगे। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, इनकम होती है, क्रेडिट ही करेंगे, इनकम होती है, क्रेडिट ही करेंगे। आओ जी नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव कर जाते हैं, एग्जांपल नंबर 8 पे आ गए अब हम, किस पे आ गए, एग्जांपल नंबर 8 पे आ गए। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 8, पढ़ते हैं क्या कहता है, कहता है फॉलोइंग इज अ बैलेंस were extracted from the books of S-PAL. S-PAL की books में से हमने किया है, ये data extract किया है, और आपको trial balance बना के दिखाना है। मैं कहा लो जी लो, तो बच्चों वाली बात है, अभी दो मिनट में कर दिया हमने, आप टेंशन ही ना ले। आओ जी, पहला परचेज डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, सेल्स इनकम क्रेडिट, डेटर्स एसेट्स डेबिट, डिस्काउंट रिसीव इनकम क्रेडिट, कैरिज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट, कैश इन हैंड एसेट्स डेबिट, मशीनरी एसेट्स डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये देखो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लायबिलिटी क्रेडिट, ड्रॉइंग्स एसेट्स डेबिट, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न डेबिट, प्रीमिसेस, प्रीमिसेस बोलते हैं बिल्डिंग को, वो जगह जहां हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हमारा वहां ऑफिस हो, चाहे हमारी वहां फैक्ट्री हो, चाहे हमारा वहां गोडाउन वेयर हाउस हो, प्रीमिसेस, मिसेस नहीं बेटा, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब वो बिल्डिंग जहां हमारा बिजनेस चलता है। क्रेडिट, अच्छा प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब एसेट्स, एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिटर्स, जिसका पैसा देना है, लायबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस डेबिट, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट, कैश एट बैंक एसेट्स डेबिट, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट्स राइट ऑफ एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। समझ रहे हैं, पक्का समझ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं यस सर। अच्छा एक बात बता दूं, मैंने बोला नहीं यहां, शायद बैड डेट्स डेबिट होंगे, पर यदि बैड डेट रिकवर होगा, क्या होगा, बैड डेट्स रिकवर, तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि वो एक क्या होती है, इनकम होती है। वो क्या होती है मेरे बेटा, इनकम होती है, क्या होती है बेटा, वो मेरी एक इनकम होती है। इतनी बात सभी को समझ में आती है, बच्चे कह रहे यस सर। मैंने कहा उसके बाद एक 9th एग्जाम्पल है जो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, उस एडजस्टमेंट्स के लिए हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब जाके सही से होंगी, और ये क्वेश्चन कभी आता भी नहीं, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे अभी। हम स्ट्रेट अवे अपने लास्ट एग्जांपल 10th एग्जांपल पे आ जाते हैं, और अब हम अपना 9th नहीं कर रहे, और हम अपना 10th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब करें, शुरू करें 10th क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत मजे से हो भी गया, पर इसका मतलब नहीं कि आप भी ऐसे ही कर लें, आपको मुझे ये क्वेश्चंस सारे कॉपी पे करके दिखाने पड़ेंगे, आपको ये सभी क्वेश्चन मेरे को कॉपी पे करके दिखाने पड़ेंगे, पीडीएफ भेजनी पड़ेगी आपको, प्रॉमिस, पक्का कर लोगे ना, ठीक है जी। आओ लास्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, द अकाउंटेंट ऑफ शिव रॉन्गली प्रिपेयर द फॉर ट्रायल बैलेंस, कह रहा गलती से गलत ट्रायल बैलेंस बन गया, उसको ठीक कर दो। दो साइड्स हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, देखते हैं कि डेबिट साइड में क्या क्या पड़ा है, जो पड़ा होना चाहिए और नहीं पड़ा होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक डेबिट ही होता है,
परचेज एक्सपेंस है डेबिट ही होती है, सैलरीज एक्सपेंस है डेबिट ही होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ये गलत है। वेजेस एक्सपेंस डेबिट ही होगा, वेजेस ड्यू, आउटस्टैंडिंग ड्यू, अनपेड, तीनों का मतलब सेम है। तो वेजेस ड्यू का मतलब वेजेस आउटस्टैंडिंग है और वेजेस आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग एसेट्स डेबिट, ठीक है। प्लांट मशीनरी एसेट्स डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, ये क्रेडिट होनी चाहिए थी, गलत है ये। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाप रे बाप कितनी बार कहूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होते हैं और वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, तो गलत है ये यहां। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सही है, एक्सपेंस डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स डेबिट, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं परचेज रिटर्न को और परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, गलत है ये यहां। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो आना ही नहीं था ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर नहीं होता, गलती से डाल रखा है, हटाओ इसको यहां से। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे चले। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पे, सेल्स, ठीक है, क्रेडिट होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करवाना हमारा एक खर्चा है, डेबिट होता है। इक्विपमेंट्स एसेट्स है, डेबिट होते हैं, गलत है ये। रिपेयर टू बिल्डिंग एक्सपेंस है, डेबिट होगा, गलत है ये भी। ड्रॉइंग्स एसेट्स है, डेबिट होती है, गलत है ये भी। सन्ड्री रिसिप्ट्स, रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट, ये सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, ये भी सही है। ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट क्या है भैया? ग्राउंड का रेंट दिया है कि लिया है? पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है सर। गलत है ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट हमने पे किया है, ग्राउंड रेंट हमने पे किया और हमारा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। गलती से ये कहां पड़ा हुआ है? क्रेडिट साइड पड़ा हुआ है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, वो डेबिट होती है, गलत है ये भी। कैपिटल ठीक है, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट में ही पड़ी है। लास्ट इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, पर ये गलती से कहां पड़ी हुई है? क्रेडिट साइड में पड़ी हुई है, इसको भी उठा के क्या कर दो? डेबिट कर दो। खत्म जी, हमारे 10 एग्जांपल यहां तक खत्म हो गए। सर आपने थर्ड एग्जांपल से क्यों शुरू किया? आपने थर्ड एग्जांपल से ही क्यों शुरू किया तो मैं आपको बताता हूं। वन और टू एग्जाम्पल जो थे बेटा वो बहुत बड़े बड़े थे, वो किस पे बेस्ड थे? कि आपको कुछ जर्नल एंट्रीज दी हुई है, कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है, उन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे आपको क्या बनानी है? बुक्स बनानी है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जनरल प्रॉपर। उसके बाद आपको बुक्स क्लोज करके क्या बनाने हैं? लेजर्स। लेजर्स क्लोज करके क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस। मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा काफी बड़ी सी, एक से सवा घंटे की, और एक क्वेश्चन मैं वो करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि वो बड़ा क्वेश्चन कैसे होता है। हालिका वो पेपर में आने के चांस बहुत रेयरेस्ट है उसके, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जरूर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है। होमवर्क, होमवर्क अनसोल्ड क्वेश्चन शुरू हो जाओ थर्ड से, थर्ड से लेके आपको ट्वेल्थ तक सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इवन जो मैंने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आप सारा होमवर्क कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर लेंगे, और डाउट नहीं होगा तो पूरा होमवर्क करके उसकी पीडीएफ बना के आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे सेंड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, ठीक है जी। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।